हेलो स्टूडेंट्स, इट्स आवर थर्ड पोयम रेन ऑन द रूफ फ्रॉम द बिहार टेक्स्ट बुक. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस पोयम विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम. द पोइट एग्जिबिट्स दैट द रेन ब्रिंग्स द पोइट मैक्सिमम हैप्पीनेस व्हेन ही इज लॉस्ट इन ड्रीम एंड सो मैनी फैंसीज गो ऑन रिवॉल्विंग इन हिज माइंड. मीन्स के यहाँ पे प्रस्तुत कविता में ये बताती है कि वर्षा, जो रेन का वर्ड्स यूज़ किया हुआ है, वो सबसे ज़्यादा खुशियाँ लाती है कवि के जीवन में. जब वो अपने स्वप्न में डूबा होता है और अनेक आनंद के क्षण उसके मस्तिष्क में घूम रहे होते हैं. ही लव्स द पैटरिंग. पैटरिंग मतलब जो बूंदों की आवाज़ आती है टप टप की, उसको पैटरिंग बोलते हैं. सो ही लव्स द पैटरिंग ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ. वो छत पर वर्षा की बूंदों को टप टपाना कवि को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है. सो द थीम ऑफ द पोयम इज द पोयम प्रेजेंटेड रेन ऑन द रूफ रिवील्स द हीलिंग पावर ऑफ नेचर्स रेन स्पेशली व्हेन इट इज हर्ड फ्रॉम अ कोजी बेड इन अ लवली कॉटेज. तो यहाँ पे जो पोयम है रेन ऑन द रूफ, तो प्राकृतिक वर्षा की स्वास्थ्यवर्धक क्षमता को प्रदर्शित करती है, और ख़ास तौर से तब जब हम अपनी छोटी कुटिया में आरामदायक बिस्तर पर लेटकर वर्षा की टप टप की आवाज़ सुनते हैं. द फर्स्ट सेंटा स्टेंजा ऑफ द पोयम टेल्स दैट इट इज़ प्लीजेंट टू लाई ऑन द बेड इन अ कॉटेज एंड लिसनिंग टू पीटर पैटर साउंड ऑन अ रेनी नाइट. मीन्स के जो कविता का जो प्रथम पैराग्राफ है उसके अंदर देखे तो यह विचार व्यक्त करा गया है कि वर्षा की रात्रि में अपनी कुटिया में लेटना और वर्षा के टप टप आने की आवाज़ सुनना बहुत आनंददायक है. इन द सेकेंड पैराग्राफ, द टिंकल ऑफ द रेन ब्रिंग्स ड्रीमी फैंसीज विथ अ ब्राइट ह्यूम्स रिकलेक्शंस. तो द्वितीय जो पैराग्राफ है उसमें यह बताया गया है कि वर्षा हमें स्वप्न से संबंधित कल्पनाओं को याद दिलाती है, जिसमें हमारी यादें भी शामिल रहती है. इन द थर्ड, द फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ हिज मदर इज स्टिल्ड बिफोर हिम इन ऑल हर जेंटल लवलीनेस बाय द पैटर्न ऑफ द रेन. तो इसमें जो तृतीय है मतलब लास्ट तीसरा पैराग्राफ में कवि अपनी माँ की मीठी यादें उनके सामने ताज़ा हो जाती है. तो वर्षा की बूंदों के साथ वो अपनी माता के कोमल स्नेह को याद करता है. तो ये सब विचार आप भी ड्रीम इमेजिन करो कि आपके एक छोटा सा मकान है और छोटा सा एक पलंग है, उसके ऊपर आप आराम से सो रहे होते हैं. उस समय बारिश चालू हो जाती है, तो बारिश की जो टप टप की बूंदों की आवाज़ आप सुन रहे होते हैं छत से, तो वो टप टप की आवाज़ से आपको बहुत आनंद मिलेगा. तो उस समय अपनी जो भी अच्छी अच्छी यादें हैं वो सारी यादें आपको वापस मिल जाती है, तो आप अपने ख्यालों में गुम हो जाते हैं. तो जब भी रेन की बात आती है और रेन आता है तो कवि बहुत खुश हो जाता है. तो उस समय जब वो कवि छोटे थे तो उसकी माँ कोमल से हाथ से अपने उसके सुलाती थी और उनको स्टोरी सुनाती थी, तो वो सब यादों में गुम हो जाते हैं. सो मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम इज़ द पोइट इज़ लाइंग इन हिज बेड. सो कवि अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है. ही हियर्स द साउंड ऑफ द क्लाउड्स. वह बादलों की आवाज़ को भी सुनता है. सडनली द क्वाइटनेस ऑफ द एनवायरनमेंट डिसअपीयर्स. और जल्दी ही तो वातावरण में जो खामोशी होती है वो गायब हो जाती है. इट स्टार्ट्स रेनिंग लाइटली. और धीरे धीरे रेनिंग शुरू हो जाती है. द रेन ऑन द रूफ क्रिएट्स ब्यूटीफुल साउंड. जो छत पर गिरती हुई बरसात की बूंदें होती है वो मधुर ध्वनि उत्पन्न करती है. द साउंड इकोड इन द हार्ट ऑफ द पोइट. और वह ध्वनि कवि के दिल में गूंज उठती है. ही रिमेंबर्स अ नंबर ऑफ थिंग्स. उसके बहुत चीज़ें याद आ जाती है.
सम मेमोरीज आर स्वीट एंड सम आर सैड। तो कुछ ऐसी यादें हैं जो कवि को मीठी लगती है और कुछ ऐसी यादें होती है जो उसको तीखी लगती है। द साउंड ऑफ रेन अपीयर्स टू बी ब्लिस टू द पोइट। तो वर्षा की ध्वनि कवि के लिए परम आनंद का क्षण प्रतीत होता है। तो यहाँ पे कवि जब भी रेन होती है तो अपनी यादों में गुम हो जाता है और उसकी जो टप टप करती है बूंदे उसके छत के ऊपर, जब वो बिस्तर पर लेटा होता है तो वो बूंदों से ज़्यादा खुशी मिलती है और वो अपने जो बचपन की यादों में वापस गुम हो जाता है। जब वो छोटे थे तो उसके माँ का प्यार, वो जब इस ऐसे माहौल में बारिश की सीज़न हो, ऊपर से आवाज़ सुनाई देती तो मधुर ध्वनि उससे उत्पन्न होती थी, वो सब दिन याद करते हैं। और इस रात्रि में उसकी जो मम्मी थी वो उसको अच्छे अच्छे स्टोरी सुनाया करती थी, तो वो सब यादें सब ताज़ा हो जाती है। और कुछ ऐसी भी यादें होती थी जो उसको अच्छी नहीं लगती थी, तो वो यादें भी उसके लिए वापस याद आ जाती है। और वो सोचता है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश होने से पहले क्या होता है, आकाश में बादल भर जाते हैं, फिर बिजली गिरती है और बादल हटने से जो आवाज़ सुनाई देती है तो वो आवाज़ें ऊपर से होती है, तो वो आवाज़ें फिर जब बारिश शुरू हो जाती है तो वो सब आवाज़ें वो सब गायब हो जाती है और सिर्फ बारिश की आवाज़ ही सुनाई देती है। तो उस समय की जो यादें हैं, हम बैठे हो अगर हम सोते रहते हैं तो वो सारी यादें हमें बचपन की हो या कुछ ऐसी अच्छी अच्छी यादें होती है जो वापस हमें याद आ जाती है और उस आनंद यादों का मज़ा लेते हुए हैं। तो यहाँ पे कवि को बारिश बहुत अच्छी लगती है, वो सोचते हैं कि जब भी बारिश होती है तो उसकी हैप्पीनेस, जो मुस्कुराहट है, वो याद भरी, वो सब वापस उसको याद आ जाती है और वो हमेशा ऐसी मौसम का बेसब्री से इंतज़ार करता रहता है। तो यहाँ पे जो पार्ट वन में है, तो हमने यहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम वो भी सुन लिया, द थीम ऑफ द पोएम वो भी सुन लिया और जो मेन पॉइंट्स थे पोएम के वो भी हमने जान लिए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम टेक्स्ट बुक रीडिंग और जो शॉर्ट समरी है वो भी सीख लेंगे। इसमें से आपको जो न्यू वर्ड्स हैं, जो फर्स्ट टाइम आप रीड कर रहे हैं या तो सुन रहे हैं, वो आपको लर्न करने हैं और उसकी जगह पे अगर वो वर्ड्स याद नहीं आती है तो उसकी जगह कौन से वर्ड यूज़ करने हैं वो आपको वोकेबुलरी तैयार करके आसानी से अपने क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू।